तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं माय मैकेनिकल सपोर्ट। दोस्तों, अभी मैं जो है वो अपने बाइक के, जो मेरा पैशन प्रो बाइक है, उसके हेडलाइट के प्रॉब्लम से बिल्कुल जो है वो जूझ रहा हूं। तो इसके लिए मैंने जो है वो ऑर्डर किया था अमेजोन से एलईडी बल्ब। तो चलिए दोस्त, हमारा जो एलईडी बल्ब है वो आ चुका है, चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद मैं आपको अपने बाइक में फिट करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से जो है वो हमें रोशनी देता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए समय ना गवाते हुए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मैं पैक को खोलता हूँ, इसे आने में लगभग एक सप्ताह का समय लग गया है। तो ये रहा वो पैक, चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। काफी नॉर्मल सा पैकिंग किया हुआ है। तो ये देख पा रहे होंगे आप, हमें जो है वो दो 10 वाट के एलईडी बल्ब जो है वो मिल रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं इसकी जो है वो सर्विस लाइफ जो दिया हुआ है, एस्टिमेटेड सर्विस लाइफ है वो जो है 20,000 आवर्स का है। तो चलिए इसे जो अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि हमें इसके अंदर जो है वो कौन कौन से चीज मिलते हैं। तो ये हमने खोला बॉक्स, तो आप जिस तरह से देख पा रहे हैं, ये हमें जो है वो एक क्लैंप भी मिलता है इसके साथ में और ये हमारा लाइट है। वायर की बात करें दोस्त, तो काफी कम वायर जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है, लेस देन 1 फीट, 1 फीट से भी कम यहाँ पे वायर दिया हुआ है। चलिए इस वाले बॉक्स में देख लेते हैं। तो इस वाले बॉक्स की अगर बात करें तो सेम पैकिंग है, इसमें भी जो है वो एक हमें क्लैंप दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और ये जो एक हमें एलईडी बल्ब दिया गया है, जिसमें जो है वो बल्ब की संख्या मैं काउंट कर लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बल्ब जो है वो इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों, हमें इस पैक में जो है वो ये एलईडी बल्ब मिले हैं और ये क्लैंप जो है वो मिल गया है। अब चलिए कुछ और पैकेट में है या नहीं तो मैं इस पैक खोलता हूं। दोस्तों, इसमें ये जो है वो आपको, मुझे लगता है ये स्विच होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं, ये स्विच हमें मिलती है, इसके अंदर जो है ये स्विच भी मिलती है। तो अगर आप अपने बाइक के हेडलाइट के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं कंप्लीट पैकेज, इसकी प्राइसिंग के साथ में, साथ ही साथ क्या कुछ इसकी खासियत है, क्या कुछ जो है वो खराबी है, इसमें हर एक डिटेल में आपको देने वाला हूं। चैनल पर नए हो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो मैंने इसे जो है वो ऑनलाइन खरीदा है और मैं आपको सबसे पहले एलईडी बल्ब के बारे में ही बता देता हूं। इसमें जो पूरे 9 बल्ब दिए गए हैं और इस तरह के हमारे पास इस पैकेज में 2 एलईडी बल्ब है जो कि बाइक के दोनों साइड में लगाऊंगा। इंस्टॉलेशन वाला वीडियो भी जल्द ही चैनल पे आएगा। और उसके बाद आपको मिल जाता है दोस्त ये क्लैंप, इसको जो है वो इस वाले पार्ट में फंसा करके जो है वो बाइक में आप क्लैंप कर सकते हो। और साथ में इसके मिलता है एक स्विच जो कि काफी अच्छा है और काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन इसका लग रहा है और जिससे आप जो है वो अपने बाइक के हैंडल पे भी माउंट कर सकते हो। इसकी बनावट कुछ इस तरह से दी गई है, यहाँ पे एडजस्टेबल स्क्रू दिए गए हैं। बात कर लेते हैं इस एलईडी बल्ब की खासियत की, तो इसकी जो है वो 10 वाट का बल्ब है, ये यहाँ पे देख सकते हैं इस पैक में। और इसकी सर्विस लाइफ जो है वो कंपनी की तरफ से एस्टिमेटेड दिया गया है वो 20,000 आवर्स की है। और वोल्टेज जो है वो 9 से 15 वोल्ट के बीच में जो है वो ये डीसी सप्लाई एक्सेप्ट कर सकता है, 12 वोल्ट में काफी अच्छे ये रिजल्ट देते हैं। और बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने इसे कितने में खरीदा है। और इसे आप फॉग लाइट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, कंपनी जो है वो इसे फॉग लाइट के तौर पे ही बेच रही है। और मैं अपने इसे हेड लैंप के बदले में जो है वो यूज करने वाला हूं, चूंकि ये एलईडी है, ये हमारे बैटरी के लिए भी सही रहती है और साथ ही साथ इसकी लाइट भी काफी ब्राइट होती है, ल्यूमिनस होती है। दोस्तों, इसके प्राइस की बात किया जाए तो ये मुझे पड़ गया है 227, मतलब 227 रुपए में ये कंप्लीट 4 आइटम मुझे जो है वो
मिले हैं। उम्मीद करते हैं दोस्त आपको जो है वो मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है। तो चले फ्रेंड्स वीडियो को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट इसका पार्ट बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है दोस्त। तो अगले पार्ट में देखते हैं इसको इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय मैकेनिकल। धन्यवाद दोस्तों।